सब्सक्राइब करिए टेकिया सर यूट्यूब चैनल को और साथ में लगा बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस, जियोनी ने जो अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर गया जो कि जियोनी M7 पावर नाम से, तो गाइस इसकी प्राइसिंग रखी गई 17,000 रुपये। तो यहाँ इसका डायरेक्टली कॉम्पिटिटर बन जाते हैं ऑफलाइन मार्केट के लिए ओप्पो का F5 जिसकी प्राइसिंग है 20,000 रुपये। तो गाइस दोनों फोन को कंपेयर करके आपको बता देता हूँ दोनों फोन में आपको क्या डिफरेंस मिलता है, दोनों फोन में से आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन की प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी की। तो दोनों फोन आपको ऑफलाइन रिटेल स्टोर में देखने को मिल जाएगा, एज वेल एज आपको ऑनलाइन भी दोनों पर फोन आप परचेस कर सकते हो। गाइस यहाँ पर बात करते हैं ये फोन के प्राइसिंग की। तो यहाँ पर आपको जो जियोनी का फोन है वो आपको मिल जाएगा 17,000 की प्राइस पॉइंट पे, और जो ओप्पो F5 है वो आपको मिल जाएगा 20,000 की प्राइस पॉइंट पे, 32GB प्लस 4GB रैम वाला मॉडल। तो गाइस कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के बिल्ड और डिजाइन की। तो यहाँ पर जियोनी में बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर मेटल ग्लास और टेक्सचर टाइप का आपको बैक पैनल मिल जाएगा जो कि बहुत ही स्टडी और सुपर बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर जियोनी प्रोवाइड करी है। वहीं बात करते हैं ओप्पो F5 की बिल्ड क्वालिटी की। तो यहाँ पर आपको मेटल का यूनिबॉडी डिजाइन दिखता है, बट यूनिबॉडी तो है बट वो पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है। तो इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी डेफिनेटली जो आपको जियोनी के फोन में मिल रही है वो थोड़ी बेटर रहने वाली है एज कम्पेयर टू ओप्पो F5 से। बात करते हैं यहाँ पर दोनों फोन के डिस्प्ले की। तो दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, दोनों में आपको 18:9 रेशियो का डिस्प्ले मिलता है, 6 इंच का दोनों फोन में आपको मिलता है, बट जो रेजोल्यूशन है वो थोड़ा अलग है। जियोनी के फोन में आपको मिल जाएगा 720p का डिस्प्ले। रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 1440x720p का रेजोल्यूशन मिलता है, 2.5D कर्व ग्लास मिल जाएगा और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। वहीं बात करते हैं ओप्पो F5 के डिस्प्ले की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 6 इंच का 18:9 रेशियो का डिस्प्ले मिल जाएगा, बट यहाँ पर जो रेजोल्यूशन है वो फुल HD प्लस है। मतलब रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 2160x1080 पिक्सल देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन ओप्पो ने यहाँ पर प्रोवाइड करा है। जियोनी में 720p है तो पिक्सलेशन तो जियोनी के फोन में आपको मिलेगा ही। ओप्पो का फोन का जो डिस्प्ले है वो आपको शार्प देखने को मिल जाएगा एज कम्पेयर टू जियोनी M7 पावर से। बात करते हैं यहाँ पर दोनों फोन के प्रोसेसर की। तो यहाँ पर जो जियोनी का फोन है यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 435 का प्रोसेसर, जो कि एक ऑक्टाकोर का प्रोसेसर है, 1.4 GHz पे क्लॉक्ड है। जीपीयू की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एड्रिनो का 505 का जीपीयू देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करते हैं ओप्पो F5 के प्रोसेसर की। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा मीडियाटेक का हीलियो का P25 का प्रोसेसर, अगेन ये भी एक ऑक्टाकोर का प्रोसेसर है, 2.3 GHz पे क्लॉक्ड है। यहाँ पर जीपीयू की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको माली का G71 MP2 का जीपीयू देखने को मिल जाएगा। तो गाइस दोनों में से कौन सा प्रोसेसर और जीपीयू अच्छा है, बहुत से लोग सोच रहे कि मीडियाटेक का जो P23 है वो स्नैपड्रैगन का बहुत अच्छा है और जो ओप्पो का फोन का बेकार है, तो कहते ऐसा नहीं है। दोनों ही फोन जो प्रोसेसर है वो कंपेरेबल है, दोनों ऐसा नहीं है कि स्नैपड्रैगन का बहुत अच्छा है। 435 बजट सेगमेंट के लिए ठीक है, बस 17,000 के लिए मतलब ओवर प्राइस है। वैसे ही जो हीलियो का P23 है वो भी 20,000 के लिए ओवर प्राइस मतलब ओप्पो ने भी रखा है। तो गाइस प्रोसेसर की बात करते हैं तो डे टू डे यूज में तो आपको कोई लैग और शटर देखने को नहीं मिलेगा, बट अगर आप दोनों ही फोन में हाई एंड गेमिंग करते हो तो स्लाइटली आपको शटर लैग वगैरह देखने को मिल जाता है अगर आप हाई सेटिंग्स में खेलते हो। तो बात करते हैं यहाँ पर दोनों फोन के कैमरे की। तो यहाँ पर ओप्पो बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है जियोनी के फोन से, क्योंकि जियोनी के फोन में आपको मिलेगा बैक में 13 MP का कैमरा, सिंगल कैमरा है, और यहाँ पर जो अपर्चर है वो F2.0 का देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करते हैं ओप्पो के बैक कैमरे की। तो यहाँ पर आपको 16 MP का कैमरा मिल जाएगा, 1.8 अपर्चर के साथ में मिल जाएगा, और दोनों कैमरा जो आपका बैक कैमरा है दोनों 1080p में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फ्रंट कैमरे की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जियोनी में 8 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिल जाएगा, अपर्चर 2.2 का मिल जाएगा। वहीं ओप्पो की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 20 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल जाएगा, अपर्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको F2.0 का अपर्चर देखने को मिल जाएगा। तो गाइस कैमरे की बात करते हैं तो जो फीचर्स वगैरह है बोके मोड है और प्लस अलग अलग फीचर है ब्यूटीफाई मोड वगैरह वो आपको ओप्पो के फोन में आपको रियर कैमरा में भी ज्यादा मिलेगा, फ्रंट कैमरा में भी आपको AI टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज कर गए। तो इन टर्म्स ऑफ कैमरा बोथ कैमरा विल बी बेटर ऑन ओप्पो F5 एज कम्पेयर टू जियोनी M7 पावर से। बात करते हैं यहाँ पर दोनों फोन के UI और स्किन की। तो यहाँ पर आपको दोनों फोन में आपको नूगट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा, जो ओप्पो का फोन है वो आपको 7.1.2 के साथ में आता है, जियोनी का फोन आपको मिल जाएगा नूगट 7.1.1 के साथ में, बट जो जियोनी का फोन है उसमें एमिगो वर्जन 5.1 पे चलता है, मतलब खुद का स्किन है जियोनी वालों का। ओप्पो की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कलर OS मिल जाएगा 3.2 वर्जन पे वर्क करता है, दोनों कस्टमाइजेबल है, बट जो कलर OS है वो थोड़ा स्मूथ चलता है एज कम्पेयर टू एमिगो UI से। एमिगो UI इतना खास नहीं है गैस, उसकी वजह से कितने जियोनी के फोन गर्म होते हैं, शटर लैग वगैरह देखने को मिलता है। तो ओप्पो का जो कलर OS है वो फार बेटर है एज कम्पेयर टू जियोनी के UI से।
बात करते हैं यहाँ पर धोनी फोन के सेंसर्स की, तो यहाँ पर आपको धोनी फोन में सभी तरीके के सेंसर मिल जाएंगे, एक्सेलेरोमीटर सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बेडेड सेंसर, जायरोस्कोप, कंपास, सभी चीज़ आपको मिल जाएगी। बट गाइस जियोनी में जायरोस्कोप है या नहीं वो कंफर्म करना पड़ेगा, ओप्पो में तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। बट फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करते हैं तो धोनी फोन में आपको बैक साइड में देखने को मिल जाएगा। बट गाइस यहाँ पर जियोनी के फोन में आपको आयर ब्लास्टर भी देखने को मिल जाएगा जो कि ओप्पो के फोन में मिसिंग है। बात करते हैं यहाँ पर बैटरी लाइफ की, तो यहाँ पर जियोनी की फोन बहुत आगे निकल जाता है एज कम्पेयर टू ओप्पो के, क्योंकि यहाँ पर जियोनी में आपको मिलेगी 5000 mAh की बैटरी जो कि बहुत बहुत मॉन्स्टर बैटरी रहने वाली है। वहीं बात करते हैं ओप्पो की बैटरी की, तो यहाँ पर आपको 3200 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। दोनों ही बैटरी में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो गाइस ये था दोनों फोन का कंपैरिजन। तो गाइस दोनों फोन में से आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा, मैं मेरी ओपिनियंस की बात करूं तो गाइस आपको जियोनी का फोन क्यों लेना चाहिए। गाइस अगर आपको सिर्फ बैटरी और बैटरी से ही मतलब है तो गाइस आप जियोनी का फोन ले सकते हो। ओप्पो का फोन आपको क्यों लेना चाहिए, तो गाइस आपको ओप्पो के फोन में डुअल सिम प्लस मेमोरी कार्ड का सपोर्ट मिल रहा है, डिस्प्ले आपको फुल एचडी मतलब फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाला मिल रहा है, प्लस जो कैमरा रियर कैमरा एज वेल एज फ्रंट कैमरा आपको ओप्पो के फोन में अच्छा मिल रहा है, और ओप्पो के फोन में आपको जो सॉफ्टवेयर वगैरह जो कलर हुआ है वो आपको बेटर मिल रहा है। तो गाइस ये था दोनों फोन का कंपैरिजन। मैं तो आपको दोनों फोन में से मतलब ये प्राइस पॉइंट पे आपको लेना है तो और मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे, ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑनर 99 या MI A1 वगैरह जैसे फोन, बट यहाँ पर आपको दोनों ही फोन लेना है, ऑफलाइन से ही लेना है, दोनों में से एक चूज करना है। तो गाइस मैं आपको बोलूंगा ओप्पो F5 लो, जियोनी का फोन मत लेना। तो गाइस ये थी मेरी वीडियो, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है आपसे किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।